हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं अपने यहाँ कॉटन ग्रीन के बस पार्किंग में खड़ा हूँ और आज हम यहाँ से जाएंगे अपने ऊना गुजरात के लिए। तो अपनी जो बस रहने वाली है वो ये अपनी जय ट्रैवल्स रहेंगी। तो आज हम जय ट्रैवल्स में व्लॉग करेंगे ऊना तक, मुंबई टू ऊना। और इस बस के जो ड्राइवर है वो अपने रहेंगे हनीफ भाई और लाल भाई, और जो क्लीनर रहेंगे वो अपने भावेश भाई रहेंगे। तो ये अपने जय बस के जो अपने पिकअप मैन अपने साथ है भाई, आपका नाम? पप्पू। पप्पू भाई, तो जय बस के बारे में कुछ बताओ हमें। पप्पू तो अच्छा है। अच्छा है, गाड़ी चल रहा है। और अगर हमें टिकट वगैरह बुकिंग करना हो तो क्या कर सकेंगे? टिकट ऑनलाइन करो। ऑनलाइन? ऑनलाइन करो, नहीं मेरे को फ़ोन करो। तो मैं आपका नंबर दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और बस का भाव क्या चल रहा है अभी? बस का भाव 1500। 1500 सिंगल का? हाँ। और अपना डबल 3000? डबल 3000। और केबिन का क्या प्राइस रहेगा? केबिन का 600-500 जैसा रहता है। अच्छा, मतलब अप डाउन होता रहता है बस का प्राइस। और अपना पिकअप कहाँ कहाँ रहता है? पिकअप कॉटन ग्रीन। कॉटन ग्रीन? सिवड़ी। सिवड़ी, वडाला। वडाला, धाराबी। मतलब लास्ट पिकअप अपना कहाँ तक रहेगा? लास्ट पिकअप विरार। विरार तक? और आप इस बस में कहाँ तक जाओगे? विरार। विरार तक, फिर विरार से उधर जाओगे? हाँ। तो चलो दोस्तों, अपने जय बस के साथ अपने पिकअप में चलो मिलते हैं। ओके ओके। फिलहाल तकरीबन 12 बजने वाले हैं और अभी हम रेडी हो चुके हैं यहाँ से निकलने के लिए, जय ट्रैवल्स अपनी। तो मैं अभी आपको ड्राइवर वगैरह से मिलाता हूँ। पहले यहाँ से हम निकलते हैं मुंबई से, थोड़ा यहाँ पे पिकअप वगैरह रहता है, तो अभी थोड़ा आगे चल के मैं आपको ड्राइवर वगैरह से मिलाता हूँ। ये अपने जय बस का इंटीरियर, ये अपना अपर डबल सोफा है। और ये लोअर डबल सोफा है। सीट काफ़ी बड़ी है, 3 जन आराम से सो सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये LED लाइट मिल जाएगा और ये चार्जिंग के लिए ये आप लाइट रात में चालू कर सकते हो। दो लाइट है यहाँ पे। सोफ़ा जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों, इस बस के जो ड्राइवर है अपने हनीफ भाई, पिछले टाइम वाले। तो हनीफ भाई, आप कैसे हो? मज़ा में। अभी यहाँ से ड्राइव करोगे? हाँ। यहाँ से कहाँ तक करोगे आप? यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर तक। और उसके बाद अपने ये लाल भाई करेंगे। तो लाल भाई, आप कैसे हो? अच्छे हो। बॉर्डर के बाद आप ड्राइव करोगे? हाँ। तो हनीफ भाई, अभी यहाँ से अभी अपन कहाँ पर रुकेंगे? अंधेरी ना, अंधेरी से बोरीवली होकर निकल जाएगी। अच्छा, फिर नॉन स्टॉप जाएंगे? हाँ, बाद में नॉन स्टॉप। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बैठ के हम हनीफ भाई की ड्राइविंग।
है अंधेरी, और यहाँ थोड़ा पिकअप वगैरह है और भी बस है निमडा। तो अभी यहाँ थोड़ा पिकअप वगैरह हो रहा है, पेट्रोल पंप पे रुकी है गाड़ी। ये अपना इलाका है नाला सुपारा, यहाँ अपन डीजल वगैरह फुल करने के लिए रुकी है गाड़ी, फाइनली रुकी है। और समय तकरीबन 6 बजने वाले हैं, अभी गाड़ी थोड़ी लेट हो गई है और ट्रैफिक वगैरह की वजह से।
तो हनीफ भाई आपको ड्राइविंग करके कैसा लग रहा है? बस बहुत ही मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अभी आप यहाँ से उतर जाओगे ना, यहाँ पे ड्राइविंग नहीं करोगे ना? यहाँ से लाल भाई का ड्यूटी शुरू होगा। अच्छा चलो ठीक है, अभी हम भी थोड़ा आराम कर लेते। अब आप यहाँ से कहाँ तक ड्राइव करोगे? आप होगे कलाजा होटल का वटामन वटामन चौकड़ी तक आप कंटिन्यूस ड्राइव करोगे अभी? हाँ। और फिर वहाँ से अपने हनीफ ड्राइव करेंगे ना? हाँ। तो चलो अब यहाँ से निकलते।
तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं होटल श्री मनीषा, और ये अपने लाल भाई, आप नीचे आ जाओ। तो दोस्तों ये अपने लाल भाई, आपको कैसा लग रहा है ड्राइविंग करके? थक जाता हूँ यार। थक गए पूरा, वहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक लाए अभी। अभी और सुबह तक ड्राइव करोगे ना? फिर हनीफ भाई करेंगे। अभी यहाँ पे क्या खाना पीना खा के फिर शुरू। यहाँ पे कितने मिनट का ब्रेक रहेगा अपना? आधा घंटा।